संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज 3 घंटे के चक्का जाम का असर रेवाड़ी में हाईवे पर तो देखने को मिला, जबकि बाकी जगहों पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रही। हालांकि ट्रैफिक डाइवर्ट करने से कई स्थानों पर जाम जैसे हालात जरूर बने रहे। दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसान बनीपुर चौक के बीच आकर बैठ गए। वहीं रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर किसानों ने गंगाचा टोल के पास हाईवे पर आकर हाईवे बंद कराया। दोनों जगह किसानों से ज्यादा संख्या पुलिस बल की थी, लेकिन पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए किसानों को छूट दे रखी थी। आपको बता दें कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर हाईवे के बीच बैठकर किसान 13 दिसंबर से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहां एक साइड से सर्विस लाइन चालू थी जहां से वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से चालू थी और रेवाड़ी साझापुर रोड से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया हुआ था, लेकिन आज उन दोनों रोडों को भी राजस्थान की साइड से बंद कर दिया गया, जिसके कारण वहां पर भी जाम लग गया। कुल मिलाकर जिले के दोनों हाईवे को 3 घंटे तक किसानों ने बंद रखा, जिसके बाद हाईवे को पहले की तरह खोल दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट और इस वक्त खड़े हम दिल्ली जयपुर हाईवे पर, हाईवे नंबर 48 पर, जहां जयसिंहपुर खेड़ा के पास पहले से जो किसान है 13 दिसंबर से लगातार जो आंदोलन कर रहे थे, और आज जैसा कि संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ऐलान किया हुआ था कि वो 3 घंटे चक्का जाम रखेंगे, और उसी रणनीति के तहत, उसी आह्वान के तहत 3 घंटे के लिए इस किसान बनीपुर चौक पर हाईवे के बीचों बीच बैठ गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ ये किसान बैठे हुए हैं, और हाईवे के दूसरी साइड भी जो किसान है, जो दोनों लाइन पर किसान यहाँ बैठ गए हैं, और जो इनका आक्रोश है कृषि बिलों को वापस लिए जाने का, उसको लेकर लगातार अभी यहाँ बैठे हैं। इन्होंने कहा है कि 3 घंटे तक यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो किसान बड़े नेता हैं उनके आह्वान पर जिस तरह से बंद का ऐलान किया गया, तो उसी रणनीति के तहत अब ये बैठे हैं, और अभी 3 बजे तक इनका बैठने का यहाँ प्लान है। जैसा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी पहले जारी कर दी गई थी कि वाहनों को डाइवर्ट किया गया था, और यहाँ आप देख सकते हैं कि पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली लगाए हुए हैं, और इस साइड जो ये हाईवे है ये बिल्कुल सुनसान पड़ा है, क्योंकि पूरी तरह से हाईवे बंद कर दिया गया है। इससे पीछे जो आसलवास गांव के पास में जो फ्लाईओवर है, वहाँ पर जो लोग भी आसपास के हैं, जो आवागमन यहाँ इस साइड में कर रहे हैं, तो वो भी, उनकी भी चेकिंग की जा रही है, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ ना पहुँचे, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, तो उसके लिहाज से भी पुलिस की तरफ से बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस ने जिला प्रशासन की तरफ से लगा जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट अलग अलग जगह नियुक्त किए हैं, साथ में जो DSP हैं उनकी अलग अलग ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। तो कुल मिलाकर ये है कि हाईवे के बीचों बीच बनीपुर चौक पर किसान संगठन से जुड़े लोग कृषि बिलों की वापसी किए जाने की मांग को लेकर अब यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, और 3 बजे तक फिलहाल ये बैठेंगे, जब तक पूरा हाईवे बंद रहेगा। यहाँ दिल्ली जयपुर हाईवे पर शाहजहाँपुर बॉर्डर पर पहले ही जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर लंबे समय से किसान डटे हुए हैं, और हालांकि वहां पर एक सर्विस लाइन चालू थी जो धीरे धीरे वाहनों को जहां से निकाला जा रहा था, लेकिन आज पूरी तरह से हाईवे को बंद कर दिया गया है। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि इस साइड से जो ये रेवाड़ी बावल से रेवाड़ी जाने वाला रास्ता है, तो इस रोड से भी पुलिस यहाँ पे खड़ी है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। कोई आ रहा है तो उसको, वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। इसी तरह से जो राजस्थान से जो लोग आते हैं उनको भी खैरथल किशनगढ़ तेजारा होते हुए निकाला जा रहा है। इसी तरह से जो दिल्ली से जिसको जयपुर की तरफ यात्रा करनी है उनके लिए, और जिनको रेवाड़ी से रोहतक या रोहतक से रेवाड़ी करना है, तो उनके लिए भी पुलिस ने एक दिन पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी, और उसी एडवाइजरी के तहत ही अब ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि फिलहाल हाईवे के बीचों बीच ये जो किसान है ये बैठे हुए हैं, और बाकायदा जो ढोल नगाड़े हैं वो यहाँ बजाए जा रहे हैं, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। आज के बंद के बाद पूरे रेवाड़ी जिले का, क्या पूरे हरियाणा हिंदुस्तान का किसान आंदोलन का माहौल ही बदल जाएगा। जो 26 तारीख के बाद जो इन BJP की कुछ 7-7 लोगों ने की थी, उसके बाद 2 दिन के लिए धरना थोड़ा कमज़ोर पड़ा था। ये भारत बंद बुलाने का हमारा कारण संयुक्त मोर्चा का यही है कि आज के बाद जो जागृति आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी, और सरकार को झुकना पड़ेगा। दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप खिलाफ हो जाएंगे आप लोग? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हमें एम्बुलेंस जाने देंगे, बीमार को जाने देंगे, स्कूल के बच्चों को जाने देंगे, और दूसरी बात ये है कि सरकार को संदेश भी जाएगा। सरकार नहीं सोच रही,
दिल्ली बॉर्डर के ऊपर पब्लिक कोर्ट रखी, राजस्थान खेड़ा बॉर्डर पे कोर्ट रखी, इस सरकार के बारे में नहीं सोच रहे तो हमारे बारे में पब्लिक क्या सोचेगी। आज ये चक्का जाम के समर्थन में आए हैं, चक्का जाम के समर्थन। हमारी जो भारतीय किसान यूनियन है उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि कल से 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा 3 घंटे का। उस चक्का जाम के समर्थन में आए हैं और कृषि कानून के जो तीनों बिल हैं उसका विरोध में आए हैं। तो हाईवे बंद करने से क्या फर्क पड़ेगा? हाईवे खैर पहले से आप बैठे हो हाईवे पे, लेकिन आज 3 घंटे में क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला, पर ऐसा है एक विरोध का तरीका होता है अपना अपना सभी का। ये हमारा विरोध का तरीका है, हम सरकार का और इन बिलों का विरोध कर रहे हैं। अभी आज 3 बजे तक ये बंद रखेंगे, इसका कि सरकार को मैसेज जाए किसान दुखी हो रहे हैं और वो तीनों काना काला कानून वापस नहीं कर रही, तो हमने मैसेज देना है सरकार को और शांतिपूर्वक बंद रखेंगे इसको। आगे की कार्रवाई है, जब हम देखेंगे सरकार अगर नहीं मानती है तो हम डटे तो यहीं रहेंगे, वो आगे कार्रवाई फिर तैयार करेंगे जैसे करना।